अच्छी एवं सकारात्मक खबरों के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग कई बार मर्यादाएं भूल जाते हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी का कर्तव्य है कि इस तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गंदगी फैलाने के लिए नहीं करने का संकल्प ले। वाराणसी में पार्टी के विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सोशल मीडिया पर कभी कभी लोग मर्यादाएं भूल जाते हैं, किसी भी झूठी बात को सुना और उसे शेयर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार तो उसे सुनते भी नहीं है, कई लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सभ्य समाज में अस्वीकार्य है, शोभा नहीं देता, महिलाओं के खिलाफ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, यह 125 करोड़ लोगों का विषय है। ऐसे में हम संकल्प लें कि सोशल तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग कभी भी गंदगी फैलाने के लिए नहीं करेंगे। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से गुजरात के सूरत के बीच चलेगी। अब कहा जा रहा है कि पहले चरण में 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि पहली बार बुलेट ट्रेन गुजरात में सूरत से बिलीमोरा के बीच चलेगी। मुंबई से सूरत के बीच 508 किलोमीटर की यह परियोजना 2023 तक पूरा होने की संभावना है। केंद्र सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के अंतर्गत 15 अगस्त 2022 तक इसका पहला चरण पूरा हो जाए। उस समय देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन से जुड़े सूत्रों के अनुसार सूरत से बिलीमोरा के बीच सेंसन को नियसली चयनित किया गया, क्योंकि इनके बीच सीधा अलाइनमेंट है। इसके लिए इसके निर्माण को तय सीमा के भीतर पूरा किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे हिस्से में काम शुरू होगा। निर्वाचित नेताओं के खिलाफ मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सरकार की ओर से बनाई गई विशेष अदालतों की संख्या बताने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया था, जिससे सदनों के निर्वाचित सदस्यों को तो सम्मानजनक तरीके से बरी कर दिया जाए, उन्हें दोषी ठहराया जाए और वे अयोग्यता कानूनों के तहत राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रहे। जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। उन्होंने इस मामले की सुनवाई अगले यानी 5 सितंबर को निर्धारित की है। मौजूदा नियमों के तहत 2 वर्ष या अधिक की सजा पाने वाले नेताओं को एक सीमित अवधि के लिए चुनावी मैदान से दूर रहना होता है, बशर्ते वे एक अपीली अदालत से सजा पर रोक हासिल न कर ले। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरुआत में 11 राज्यों में 12 विशेष अदालतें बनाई हैं। राज्य सरकार ने 11 तहसीलदारों और 12 नायब तहसीलदारों की नवीन पदस्थापनाओं के आदेश जारी किए हैं। राजस्व विभाग द्वारा यह मंत्रालय से जारी 2 अलग अलग आदेशों के अनुसार तहसीलदारों में से मनोज कुमार भारद्वाज को जिला सुकमा से राजनांदगांव, नारायण सिंह चंद्राकर को जिला दुर्ग से सरगुजा, नोविता सिन्हा को जिला बलौदा बाजार से रायपुर, भूषण सिंह मंडावी को जिला बालोद से सरगुजा, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को जिला बालोद से जशपुर, प्रकाश चंद्र साहू को जिला बिलासपुर से रायगढ़, लीलाधर कंवर को बिलासपुर से राजनांदगांव, संजय कुमार राठौर को मुंगेली से जशपुर, लीलाधर ध्रुव को मुंगेली से कोरिया, जय कुमार नाग को कांकेर से बस्तर और रमेश कुमार को राजनांदगांव से मुंगेली जिले में पदस्थापना किया गया। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक सिस्टम बिगड़ने से देश भर से हवाई संपर्क टूट गया। इस वजह से यहां आने वाली हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई की 3 फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट करना पड़ गया। रायपुर के लिए आने वाली दिल्ली की एक उड़ान वही ग्राउंड होकर रह गई। इस विमान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मंसी रायपुर आने वाले थे। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जिस फ्लाइट में दिल्ली से यहां आने वाले थे उसे नागपुर डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट पर ऐसी ही अफरा तफरी मची रही। फ्लाइट डाइवर्ट होने से यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का हवाई संपर्क देश भर से कट रहा। यहां का डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एयर सिस्टम बिगड़ गया, जिसके कारण यहां किसी भी विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी जा सकी। इसकी वजह से यहां आने वाले विमान एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काट कर नागपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर लैंड हुए। 3 फ्लाइट के यात्री इस बात को लेकर हक्के बक्के रह गए कि रायपुर में उतरने के बजाय वो कैसे नागपुर पहुंच गए। कुछ देर रुकने के बाद यात्रियों का गुस्सा बढ़ने लगा और वे हंगामा करने लगे। तब एयरलाइंस कंपनी ने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया, तब वे शांत हुए। एक फ्लाइट में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी सवार थे, जो दिल्ली से रायपुर आ रहे थे। विमान के रायपुर में लैंडिंग नहीं होने के कारण वे भी नागपुर पहुँच गए। इस सीजन की बारिश में अब तक गंगरेल बांध में 43.731 टीएमसी पानी आया, जिसमें 19.377 टीएमसी पानी को बांध में रोका गया। बाकी के 24.354 टीएमसी को छोड़ा गया। पानी ज्यादा होने के कारण रुद्री बैरेज से 17.127 टीएमसी को नदी में व्यर्थ बहाना पड़ा। इसके अतिरिक्त अन्य बांधों में भी 12.201 टीएमसी पानी बहा। इस साल अच्छी बारिश के चलते रविशंकर जलाशय परियोजना के सभी बांध लबालब हो चुके हैं। यही नहीं, इन बांधों से अतिरिक्त पानी 36.555 टीएमसी नदी और नहरों में बहाना पड़ा। जिले के सबसे बड़े गंगरेल बांध की बात करें तो 31 जुलाई की स्थिति में यहां सिर्फ 9 टीएमसी ही पानी शेष था। इसके बाद अगस्त माह में भरपूर बारिश हुई, जिससे बांध लबालब हो गया। यहां पूरे सीजन में 43.731 टीएमसी पानी आ चुका है। बांध के लबालब होने पर इसके रेंटियल गेट खोलकर 31.482 टीएमसी पानी नदी में बहाया गया। रुद्री बैराज से इसमें से 0.959 टीएमसी को रोककर बाकी 20.523 टीएमसी को नहर और नदी में छोड़ दिया गया। 3.396 को निस्तारी पेयजल में उपयोग किया गया, बाकी पानी को नदी में बाढ़ के रूप में बहाया गया। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से जुड़े श्रमिकों को लेकर अक्सर भुगतान मिलने वाली परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन इस बार ये जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों के महताने की बकाया राशि 213 करोड़ रुपए की अदायगी राज्य सरकार को कर दी है। अब राज्य का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मजदूरों के बैंक खाते में उनके हिस्से की रकम पहुँचा रहा है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा से जुड़े श्रमिकों को इस समय राशि मिलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बारिश के सीजन में मनरेगा का काम बंद पड़ा है। केवल कुछ जिलों में वृक्षारोपण के काम चल रहे हैं। आमतौर पर मनरेगा से जुड़े मजदूरों को दूसरे काम कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है। हालात यह भी है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश के कारण निर्माण संबंधी काम ठप पड़े हैं। अन्य क्षेत्रों में भी काम मिलने में इसलिए परेशानी हो रही है कि बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है। आवागमन के रास्ते बंद है। रायपुर सहित आसपास के शहरों में गांवों से आने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूरों को उस समय भारी निराशा होती है जब उन्हें काम देने के लिए ले जाने वाला कोई नहीं आता। ऐसे कठिन समय में मनरेगा में मजदूरों द्वारा किए गए पुराने काम का भुगतान होने से उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए कई विभागों में लगातार तबादले हो रहे हैं। इसी के साथ कुछ विभागों में तबादले हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने टीआई को प्रमोट कर उप पुलिस अधीक्षक बना दिया। इनके प्रमोशन के लिए जनवरी में डीपीएस हुई थी, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी और न ही पोस्टिंग। इन सभी को प्रमोशन देते हुए नई पोस्टिंग भी जारी कर दी गई है। इनके अलावा गृह विभाग ने चुनाव को देखते हुए 5 डीएसपी का तबादला आदेश भी जारी किया है। राजकुमार मींस डीएसपी यातायात रायपुर से डीएसपी यातायात रायगढ़ बनाए गए हैं। इसी तरह से मीता पवार डीएसपी IUCW दुर्ग से IUCW रायपुर, अनामिका जैन श्रीवास्तव डीएसपी IUCW दुर्ग से सहायक सेनानी 3rd बटालियन भेजी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस ने एक निजी एनजीओ के हवाले से दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 212,000 से अधिक मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट दर्ज है। इनमें 949 मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एक ही विधानसभा में
50 से अधिक बार शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने इस विषय पर रिसर्च करने वाले एनजीओ द पॉलिटिक्स डॉट इन के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के सामने प्रेजेंटेशन देकर इसकी जांच कराने और डुप्लीकेट वोटर्स के नाम काटने की मांग की है। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने सीईसी से कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर न सिर्फ ऐसे मतदाताओं के नाम काटने की मांग की है बल्कि पूरी लिस्ट की फिर से जांच कराने की बात कही है। संबंधित एनजीओ के सीईओ विकास जैन के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने बताया कि 31 जुलाई 2018 को प्रकाशित मतदाता सूची की जांच के आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि प्रदेश में 2,12,424 मतदाताओं का नाम डुप्लीकेट दर्ज है, जबकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में महज 97,000 वोटों से ही हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत महिलाओं और महाविद्यालय के युवाओं को स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। अब इस योजना के तहत रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 सितंबर से स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिसके लिए बकायदा मोबाइल तिहार का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल तिहार की शुरुआत अभनपुर के सिंगार भाठा गाँव से शुरू होगा, जिसके तहत स्मार्टफोन का वितरण 3 अक्टूबर तक होगा। इस दौरान जिले के 1,32,000 लोगों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को स्मार्टफोन के संचालन की जानकारी देने मिशन बिहान से जुड़ी महिलाओं को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मोबाइल संबंधी जानकारी प्रदान करेंगी। ये मोबाइल उन्हें उनकी ई पावती देखकर ही दिया जाएगा, लिहाजा इसके वितरण का काम भी लगातार किया जा रहा है। रायपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित मोबाइल तिहार में 1,32,000 हितग्राहियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें अभनपुर विकासखंड में 30,000, तिल्दा में 27,000, आरंग में 45,000 और धरसीवा में 28,000 के लगभग स्मार्टफोन दिए जाने हैं।